इस वीडियो में हम फाइंड करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की पावर माइनस टू टी कोस पाई टी यू टी माइनस वन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। देखो इसको कैसे करेंगे, जब मैंने बताया था आपसे अब तक तो हमने दो वीडियो करे थे उसमें क्या था, यू टी आ रहा था, इस बार यू टी माइनस वन आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी माइनस वन के डोमेन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हर जगह जितना भी टी आ रहा होगा उसको टी माइनस वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे हमें कुछ ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े। तो हमारा पहला मकसद है टी माइनस वन बनाना, जितने भी जगह टी दे रखा है। ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एच ऑफ टी ई की पावर माइनस टू, टी को मैं क्या देख सकता हूँ, टी प्लस वन माइनस वन। ठीक है, एक ऐड कर दिया एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही करूँगा, टी को एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट करके बना लूंगा मैं कॉस पाई। यहाँ पे क्या करूंगा, एक ऐड करूंगा टी प्लस सॉरी टी माइनस वन, वहां पे भी पहले टी माइनस वन कर लो, आसान रहेगा, टी माइनस वन प्लस वन। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वर्क करेंगे, पाई टी माइनस वन प्लस वन, राइट, यू टी माइनस वन। अब बहुत ही स्मार्टली वर्क करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इस इतने वाले पार्ट को मैं अलग कर लेता हूँ, टी माइनस वन वाले को और टी प्लस वन को अलग रखता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, एच ऑफ टी ई की पावर माइनस टू, टी माइनस वन वाले से अलग मल्टीप्लाई कर ली माइनस, और ये प्लस वन वाले से अलग कर ली, तो ये माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम करते हैं अंदर कोस के अंदर, पाई की मल्टीप्लाई टी प्लस वन से टी माइनस वन से अलग कर ली और वन से अलग कर ली। ठीक है, यू टी माइनस वन। ठीक है, अभी तक सब कुछ आसान है। तो ये कितना हो जाएगा, कोस ये क्या कोस ए प्लस बी फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है, पहले इस वाले चीज को सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा ये कोस, इसको मैं अलग में सोल्व करके दिखा रहा हूँ, पाई टी माइनस वन प्लस पाई। ठीक है, कोस ए प्लस बी, तो क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए की जगह क्या पाई टी माइनस वन, कोस बी बी की जगह पाई माइनस साइन पाई टी माइनस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन पाई। ठीक है, तो साइन पाई होता है जीरो, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो गया, जीरो हो गया। कोस पाई होता है माइनस वन, तो ये कितना आ गया, यहां से कोस पाई टी माइनस वन प्लस पाई की जो वैल्यू कितने बराबर है, कोस पाई होता है माइनस वन, तो कोस पाई टी माइनस वन। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को मैं ऊपर रख देता हूँ, एस टी कितना हो जाएगा मेरा, एस टी ई की पावर माइनस टू टी माइनस वन, इसको पावर को अलग कर लेता हूँ, ई की पावर माइनस टू का अलग कर लूंगा। ठीक है, पावर क्या हो जाती है, सेम बेस पे ऐड होती है, तो इसको ई की पावर माइनस टू का अलग कर लिए, कोस माइनस पाई टी माइनस वन प्लस पाई किसके बराबर है, माइनस कोस पाई टी माइनस वन के मल्टीप्लाई बाय यू टी माइनस वन। ठीक है, इसको और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो क्या आ गया, माइनस ई की पावर माइनस टू को तो मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, और बाकी की चीज अंदर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ई की पावर माइनस टू टी माइनस वन कोस पाई टी माइनस वन यू टी माइनस वन। ठीक है, जब अगर टी माइनस वन है तो टी माइनस वन बनाना, टी प्लस टू है तो टी प्लस टू बनाना, जो भी है टी यू के साथ वही बनाते हैं। ठीक है, अगर यू टी दे रखा तो फिर बहुत अच्छा, फिर तो आंखें बंद करते चले आना। तो यहाँ तक बात तो पहुँच गई। देखो हमने क्या करा है, हमने एक जी टी एक्स फंक्शन माना जिसका हम निकाल सके, तो ई की पावर टी माइनस वन को मैंने एक बार टी दे लिया ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एस टी और जी टी में रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मैं जी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूँ आसानी से,
मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको इसमें क्या करता हूँ, टी को टी माइनस वन से रिप्लेस कर देता हूँ। क्या करता हूँ, रिप्लेस टी बाय टी माइनस वन, ठीक है। तो रिप्लेस टी बाय टी माइनस वन, ठीक है। तो ये जी टी कितना हो जाएगा, टी को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, टी माइनस वन से, तो कितना हो जाएगा, जी टी माइनस वन इज इक्वल्स टू ई के पावर माइनस टू टी माइनस वन कोस पाई टी माइनस वन यू टी माइनस वन, ठीक है। ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तुम, इतना वाला जो ये पार्ट है, क्या है ये वाला जो पार्ट है, ये यही बन रहा है जी टी माइनस वन। तो मैं यहाँ पे जी टी माइनस वन लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा एस टी के साथ इसका रिलेशनशिप जो पता चला, क्या पता चला, माइनस ई की पावर माइनस टू जी टी माइनस वन, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो क्या बन जाएगा, एच ऑफ टी, ये हो जाएगा एच ऑफ ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस टू, ठीक है। जी टी माइनस वन का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस छे ओमेगा, और जी टी का कितना हो जाएगा, जे ऑफ ओमेगा। तो कहने का मतलब मुझे जे ऑफ ओमेगा की वैल्यू चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। बाकी का हम अन्य सब लोग कर ही चुके हैं। अब जे ऑफ ओमेगा की बात करते हैं, ठीक है। जी टी की वैल्यू मुझे पता है क्या, ई की पावर माइनस टू टी कोस पाई टी यू टी। चलो स्टार्ट करते हैं। आप देखो मॉड्यूलेशन थ्योरम अगेन आ जाएगी, जो मॉड्यूलेशन में मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। क्या थी वो, अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, देन अगर उसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कोस की, कोस ओमेगा नॉट टी, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क पड़ता है, वन अपॉन टू, ठीक है, वन अपॉन टू एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस एफ, सॉरी ये प्लस होता है इसमें, एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। कहने का मतलब है जो कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से शिफ्ट हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। एक ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। फिलहाल मेरे पास क्या है, ई की पावर माइनस टू टी कोस पाई टी यू टी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ई की पावर माइनस टू टी यू टी का फाइंड करता हूँ। तो मेरे पास जो जी टी है वो कितना है, मेरे पास जो जी टी है वो कितना है, ई की पावर माइनस टू टी कोस पाई टी यू टी, ठीक है। तो मैं पहले किसका फाइंड करूंगा, ई पावर माइनस टू टी यू टी का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ई की पावर टू टी, ई की पावर टू टी यू टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होता है, e की पावर माइनस ए टी यू टी का फॉर्मूला, वन अपॉन ए प्लस जी ओमेगा, ए की जगह कितना है यहाँ पे टू, तो ये कितना हो जाएगा, टू प्लस जे ओमेगा, ठीक है। अब मैं कोस पाई टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला, ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो फॉर्मूला क्या, वन अपॉन टू, ये क्या मेरा एक्स ऑफ सॉरी एफ ऑफ ओमेगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह क्या लिख देना, यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नोट की वैल्यू है पाई, ठीक है। तो इसमें ओमेगा की जगह पहले ओमेगा प्लस पाई लिखो, वन प्लस जे ओमेगा प्लस पाई प्लस वन अपॉन टू जे ओमेगा माइनस ओमेगा पाई, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना, एक बार ये मिल जाए यहाँ से हमें, ये क्या कोस पाई टी की पावर माइनस टू टी यू टी, ये कैसा काम कर रहा है पूरा, जी ओ जे ओमेगा, ठीक है, जी टी का जे ओमेगा था ना, तो हमें बस यही चाहिए था, इसका ई पावर माइनस टू टी, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ओमेगा, चलो पहले से सॉल्व करता हूँ, कोस पाई टी ई की पावर माइनस टू टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया,
इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 प्लस जे के अंडर मल्टीप्लाई करो, जे ओमेगा प्लस जे पाई, 2 प्लस जे ओमेगा माइनस जे पाई कोस पाई टी ई की पावर माइनस टू टी यू टी। तो यहां से जब मैंने एलसीएम लिया क्या आ गया, 2 प्लस जे ओमेगा प्लस जे पाई, 2 प्लस जे ओमेगा माइनस जे पाई, तो ये ऊपर सेम ही आ जाएंगे, 2 प्लस जे ओमेगा माइनस जे पाई प्लस 2 प्लस जे ओमेगा प्लस जे पाई, ठीक है, जे पाई से तो जे पाई कैंसिल होगा, तो ये कितना आ गया, कोस पाई टी ई की पावर माइनस टू टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, 1/2, कितना आ गया, 2 + 2 हो गया 4, और यह जाएगा 2 जे ओमेगा, ठीक है। नीचे देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो अगेन, इसको मैं क्या करता हूँ एक अलग अलग बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह 2 + j ओमेगा, बी की जगह जे पाई, ए प्लस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ये नीचे क्या बन गया, 2 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर माइनस जे पाई का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कोस पाई टी ई की पावर माइनस टू टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, 2 से ऊपर डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस जे ओमेगा, ये हो जाएगा 2 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस 2 आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, तो हमें ये यहाँ से जी ऑफ जो चाहिए था जी ऑफ ओमेगा कितना मिला है, 2 प्लस जे ओमेगा, 2 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो हमें निकालना, हमें तो चाहिए था एच ऑफ ओमेगा, क्या रिलेशन था जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा में, हमने निकाला था, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इस वाले रिलेशन को देखो, ठीक है, तो एच ऑफ ओमेगा किसके बराबर था, माइनस ई की पावर माइनस टू टी माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जी ए ऑफ जे ओमेगा, तो मैं इसको कॉपी करके लिख देता हूँ नीचे, तो मैंने कॉपी कर लिया ये, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देनी है जी ओमेगा की, ये आंसर हो जाएगा, तो ये ई की पावर में तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 प्लस जे ओमेगा, 2 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर, ठीक है, तो एच ऑफ ओमेगा क्या आ गया हमारा, माइनस, अगर इसको मैं बाहर लिखूं, माइनस 2 प्लस जे ओमेगा अपॉन 2 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर, अगर माइनस को मैं ले लूंगा क्या बन जाएगा, 2 प्लस जे ओमेगा, ठीक है, यही क्या है इसका आंसर, ठीक है, काफी सारी प्रॉपर्टीज लगाने के बाद मिला आंसर, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कुछ नहीं बस प्रॉपर्टीज लगानी है और कुछ नहीं, एक बार फॉर्मूले याद है, बाकी का तो इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, देखो ये मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा नॉट टी कोस ओमेगा नॉट टी एफ टी से सर काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने कहा था वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर नहीं देखे तो मॉड्यूलेशन में जाकर देख ले, मैंने पूरा प्रूफ दिखाया हुआ है, मैंने कोस साइन ओमेगा नॉट टी का प्रूफ दिखाया, कोस ओमेगा नॉट टी का मैंने होमवर्क के लिए दिया था, एक बार अगर साइन का सीख गए तो कोस आप कर लोगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखना जब भी यू टी माइनस वन आता है तो सबसे पहले क्या करना, सारे फंक्शन को यू टी माइनस वन कन्वर्ट करना, उसके बाद क्या करना, उस फंक्शन को जो टी माइनस वन बनने होंगे उसको सिंपल बना देना, टी माइनस वन को हटा के, ठीक है, यही पूरा प्रोसेस रखना आगे के लिए, ठीक है, एक और हम इस पर अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे इसी टाइप का,
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।